DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं online classes from pre-nursery to class 12th. 50% discount on girls fees. Online admission open. Visit dpsajmer.in. ये देखिए, ये मामला बिजली की दरों को लेकर है। जब हमारे प्रदेश में पिछले साल बिजली की दरों को बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही थी विद्युत विनियामक आयोग द्वारा, उस समय दरें बढ़ाने से पूर्व इनके द्वारा आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। ये आपत्तियां जनप्रतिनिधि भी को भी देनी थी, पब्लिक भी दे सकती थी और संस्थानों को भी देनी थी। तो हमारे दिमाग में विचार आया कि क्यों ना ये लिया जाए कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने इस मामले में क्या किया। तो हमने एक RTI फाइल करके आयोग से उन हमारे जो अजमेर के 8 विधायक हैं उनके द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों की कॉपियां हमने ली। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ ये देख के कि सिर्फ मात्र अजमेर के 8 विधायकों में से एक ही विधायक जो अजमेर दक्षिण की विधायक हैं उनके द्वारा आपत्ति पेश की गई है और बाकी के 7 विधायकों ने इस मामले में अपनी कोई भी आपत्ति आयोग में दर्ज नहीं करी। लेकिन ये इन जो बाकी के विधायक हैं इन्होंने इस दरमियान अपनी TRP बढ़ाने के लिए काफ़ी काम किए, काफ़ी मीटिंग्स ली, प्रेस नोट देने का काम किया ताकि मतलब जनता के बीच और मीडिया के बीच ये बना रहे कि ये हमारे हमदर्द विधायक हैं। लेकिन जो असली काम उन्हें करना था वो उन्होंने नहीं किया। उन्हें चाहिए था कि वो एक 4 लाइन की आपत्ति आयोग में देते ताकि उन पर दबाव बनता और आज जो हम बढ़ी हुई दरें भुगतान करने के लिए विवश हैं वो हमारे पे ये बोझ नहीं आता। लेकिन विधायकों ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया और जनता के साथ छल करने का काम किया है और उनके साथ विश्वासघात किया है। तो इसके RTI कहाँ लगी है? ये हमने विद्युत विनियामक आयोग जयपुर के अंदर ये RTI लगा के, और मैं और हमारे एक दो साथी हैं उन्होंने ये पूरा प्रयास करके, करीब 3-4 महीने से हम प्रयास कर रहे थे सूचनाओं लेने का, तो वो हमें सूचनाएं अभी प्राप्त हुई हैं। उसमें ये सारा मामला उजागर हुआ है कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे लिए कितनी चिंता रखते हैं। जी, तरुण अग्रवाल, अजमेर।